हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सब अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी हम निकले हुए हैं अपने गेट के पास थोड़ा सा बाहर का हालचाल लेने के लिए। तो देख रहे हैं ऊपर में आसमान जो है बादल बादल छाया हुआ है। सूर्यदेव नहीं निकले हुए हैं अभी, बादल छाया हुआ है काफ़ी, और ठंड भी लग रही है हल्की फुल्की, क्योंकि सूर्यदेव नहीं है तो ठंड लग रही है। और साथ ही बादल की वजह से आवाज़ भी मेरा भारी भारी लग रहा है। इसके वजह से लग रहा है, किसके वजह से नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके साथ कुछ मीठा भी खा लिया है, क्योंकि अभी जो मार्केट में आया हुआ है नया मिठाई, जो शायद कोहरे से बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो मिठाई कम और उसका बड़ी ज़्यादा बनाया जाता है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ। तो मैंने उसकी मिठाई खाई जो मार्केट में आई हुई है, और पड़ी मेरे घर में रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, पेठा जिसको बोलते हैं जी, तो वो मैंने खाया। आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, रखा हुआ था काफ़ी दिनों से ये मिठाई के ढाबे में, तो मैंने देखा तो ये मैं आज खा रही थी, क्योंकि मुझे आज मिठाई खाने का मन कर रहा था और मुझे कुछ सूझा नहीं और बनाने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं यूँ आटे का हलवा वलवा बनाकर खा लेती। तो मैंने कहा मिठाई रखा हुआ है और मीठा खाने का भी मन कर रहा है, तो सामने जो पड़ा हुआ है उसे खा लिया जाए। फिर मैंने अपने बहन को बुलाया, उसने कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे आज मिठाई खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पेठा भी खा लिया और गला भी भारी भारी लग रहा है। उसने कहा मौसम की वजह से। हाँ, मौसम की वजह से भी होगा, और मैंने पेठा खा लिया उसके लिए। उसने कहा मीठा खाने से ज़्यादा नींद भी आता है। अच्छा, पता नहीं उसको आता है, ज़्यादा बोल रही होगी। तो मैंने कहा हर कोई को नहीं होता, हमको तो नहीं आ रहा, हम खा रहे हैं तो अभी नहीं, लेकिन थोड़ा देर के बाद में, जैसे दवाई नशा करता है उसी तरह ये मिठाई भी, मीठा नींद जो है, नींद आता है उसको, आता होगा। इसलिए वो बोल रही थी कि हम दोनों बातें करते करते उसने हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि मैंने कहा कि साथ में मीठा ज़्यादा खा ली, इसलिए मेरा गला जो है भारी भारी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मौसम भी बदल रहा है, मुझे देखकर खाना चाहिए था। और वो भी बोल रही थी हाँ सही बोल रही हो, मौसम भी खराब हो रहा है, बदल रहा है, और अभी हमारी तरफ जो है बदल बदल का मौसम किया हुआ था।